सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू सीरीज वीडियो। माय नेम इज अवदास। तो आज मैं करने वाला हूं गाइस आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग S24 इन दोनों फोन के बीच कैमरा टेस्ट। अब गाइस मैं ऑलरेडी S23 के साथ S24 का भी कैमरा टेस्ट किया था मेरे चैनल पर, अगर नहीं देखा उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन में, जरूर से देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। बट गाइस कुछ चीजें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा गाइस, अगर आपको ये सब बातें नहीं सुनना है तो यहाँ पर एक टाइम दिख रहा होगा, उस टाइम पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर नहीं जानना है तो। सबसे पहली बात गाइस, ये मेरा नया चैनल है, मेरे पहले का चैनल डिलीट कर दिया गया। मैं 7 साल तक यूट्यूब पे काम करता था, आप में से बहुत सारे लोग शायद से मुझे जानते होंगे, बट यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया था एक्चुअली 5-6 साल पहले, तभी तो इस टाइप का वीडियो बनाता था। अगर मेरा विंडोज का पासवर्ड एक्चुअली भूल जाता है कोई भी, या फिर किसी का खोलना चाहता है ठीक है, तो कैसे खोल सकते हैं, इसके ऊपर मैं तीनों पार्ट में वीडियो बनाया था। तो YouTube ने क्या किया कि 5 साल पुराना वीडियो था, उसके बाद मैंने 3-4 साल पहले ही, आज से 4 साल पहले ही ऑलमोस्ट मेरा कंटेंट पूरा बदल दिया था, फ़ोन पे शिफ्ट भी हो गया था। बट उससे पहले 5 साल पहले ये सब वीडियो बनाता था, ये सब तभी ये सब चलता भी था ठीक है, कि कैसे आप विंडोज़ के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। तो मैं वार्निंग भी दिया था शुरू में कि किसी भी लीगल चीज़ में यूज़ मत करना, बट जो भी है विंडोज़ का जो पॉलिसी है या फिर YouTube का जो पॉलिसी है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्राइक दे दिया, मेरा चैनल को डिलीट करा लिया गया। एक्चुअली एक सेम टॉपिक के मैंने तीनों पार्ट में वीडियो बनाया था, फर्स्ट पार्ट के वीडियो पे एक स्ट्राइक आया, उसके 2-3 दिन बाद 1-2 घंटे के अंदर मेरा पूरा मतलब दूसरा नंबर स्ट्राइक आया, तीसरा नंबर स्ट्राइक दोनों घंटे के अंदर आया। एक्चुअली मैं उस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया था, उसके फिर भी स्ट्राइक आ गया एंड डिलीट कर दिया ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कैसे हुआ, तो इसलिए मैं बस बता दे रहा हूँ। बाकी एक चीज़ बस कहना चाहूँगा गाइस, मेरा पूरा मेन चैनल, मेरा रोजी रोटी इससे ही चलता था, वो जो पुराना चैनल था, बट उसके बाद मैं पूरा यूट्यूब छोड़ दिया था, फिर से वापस आया हूँ, ना तो मेरा इस चैनल से कोई सा भी इनकम होता है। एंड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल से, 3-4 साल से ऑलमोस्ट मेरा फ़ोन के ऊपर ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाता था, एंड ठीक ठाक ही चल रहा था चैनल ठीक है। तो मेरा जो पुराना चैनल था, सब्सक्राइबर भी बहुत सारा था, वो डिलीट हो गया। तो इसी बात को बस अफसोस है गाइस, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आप यहाँ कर मैं आपको मेरा इनकम शो करा दूंगा। देख सकते हो कुछ ज़्यादा इनकम, मतलब कुछ भी इनकम ही नहीं होता, मेरे आज का लेटेस्ट जो इनकम स्क्रीनशॉट है वो आप देख सकते हो। तो बस इतना ही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, एंड अगर लाइक नहीं किया है यार तो लाइक यार जरूर से कर देना। आजकल चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, तो आसपास में अगर नॉइज आ रहा है तो इग्नोर कर लेना, एंड चैनल का अगर लाइक नहीं किया है तो थोड़ा लाइक कर देना, एंड प्लीज़ करो सब्सक्राइब आपके सपोर्ट के, सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा मेन इनकम ऑफ सोर्स है। मैं जॉब वॉब कुछ भी नहीं करता, एज माई करियर के तौर पर मैं यूट्यूब को चूज़ किया था, एंड मैंने 7 साल दिया है यूट्यूब को ठीक है। तो अभी यूट्यूब से थोड़ा लगाव भी हो गया है, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बकबक कर लिया, तो हो सकता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के दिन ही, बस ज़्यादा वीडियो में नहीं बताता। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले कैमरा सेटअप एंड आईफोन के अंदर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया है, एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। एंड S24 में जरा सा भी कैमरा में चेंजेस नहीं हुआ है, 50 मेगापिक्सल का मेन, 3x 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिलता है, पूरा डिटो हार्डवेयर वाइज तो सेम है। तो सबसे पहले गाइस हम टेस्ट करते हैं कलर एक्यूरेसी टेस्ट, एंड यहाँ पर गाइस कलर्स में दोनों ही फोटो काफी ज्यादा सिमिलर है, मैं बोलूंगा स्लाइटली ज्यादा कुछ बूस्टेड करा है जो S24 है वो कंपेयर टू आईफोन। आईफोन में आप देख सकते हो थोड़ा सा आईफोन भी स्लाइटली बूस्टेड करा है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना सैमसंग बूस्टेड करा है। आईफोन में थोड़ा सा आपको वार्म टोन देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट मुझे आईफोन का जो हाइलाइटेड कंट्रोल है वो थोड़ा सा अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हो। हालांकि अभी भी सैमसंग के अंदर सैमसंग काफ़ी नया है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आने बाकी हैं, एंड अपडेट के आने के बाद तो काफ़ी अच्छा और भी हो जाएगा। एक और मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इस वाले फोटो में गाइस आप देख सकते हो सैमसंग में आप थोड़ा सा ज़्यादा पास तक जा सकते हो, एंड सैमसंग का कलर कितना ज़्यादा बूस्टेड है यहाँ पर आप देखो कंपेयर टू नेचुरल साइड में है जो आईफोन है वो। बाकी डिटेलिंग लेवल के मामले में जबकि ये फोटो पास से खींचा गया है, तो स्लाइटली मैं बोलूँगा डिटेलिंग लेवल अच्छा लग रहा है S24 के अंदर कंपेयर टू जो आईफोन है। हालांकि टेक्निकली गाइस आईफोन 24 मेगापिक्सल का फोटो क्लिक करता है, तो डिटेलिंग लेवल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो पास से खींचा गया है, फिर भी इससे ज़्यादा पास आप अगर जाओगे आईफोन के अंदर तो आईफोन ब्लर हो जाता है। एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले फोटो में गाइस आप देख सकते हो मैं अगर आपको जूम करके डिटेलिंग लेवल दिखाता हूँ तो मैं बोलूँगा स्लाइटली, आई होप कि आपको यूट्यूब में अपलोड हो जाने के बाद फर्क ना पता चले, बट स्लाइटली आईफोन का डिटेलिंग लेवल अच्छा है, क्योंकि डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल में फोटो क्लिक कर रहा है, जबकि जो सैमसंग है 12 मेगापिक्सल में फोटो क्लिक कर रहा है। बट जो कलर्स की बात है, कलर्स मुझे थोड़ा सा सैमसंग का कलर थोड़ा सा पॉप ऑप करा रहा है, थोड़ा सा बूस्टर लग रहा है, आई प्लीजिंग है, देखने में अच्छा लगता है सैमसंग का कलर ठीक है कंपेयर टू आईफोन। बट गाइस अगर मैं बात करूँ अल्ट्रावाइड कैमरा की, तो अल्ट्रावाइड कैमरा में मुझे आईफोन के तुलना में जो सैमसंग S24 है वो ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली इसका डायनामिक रेंज एंड कलर्स। कलर्स वगैरह एक तो नेचुरल साइड में है, यहाँ पर थोड़ा सा उलट हो गया है, आईफोन के अंदर भी अच्छा है, बट आईफोन के अंदर मैं आपको साइज करूँगा जब से 1080p में वीडियो को देखना तो ये आपको फर्क पता चलेंगे। आईफोन का जो शैडो पोर्शन है वो थोड़ा सा मतलब अंडर एक्सपोज है, जबकि आईफोन ने काफ़ी सॉरी सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से उसको हाईलाइट एंड शैडो को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। इनफैक्ट जो सैमसंग इसका जो डिटेलिंग लेवल है
वो भी मुझे ज़्यादा लगा। अगर फर्क पता नहीं चला है तो जरूर से 1080p में देखना। हालांकि यूट्यूब में अपलोड हो जाने के बाद तो कंप्रेस्ड हो जाता है फाइल फॉर्मेट एंड क्वालिटी लॉस हो जाता है 1080p में देखने के बाद भी। जो भी है गाइज, मुझे मेरे 4K मॉनिटर में लग रहा है कि आईफोन के तुलना में S24 अच्छा है। अब गाइज यह है इन दोनों का मेन सेंसर का फोटो एंड मेन सेंसर में कलर्स वगैरह एंड स्किन टोन वगैरह स्लाइटली आपको बूस्टर देखने को मिलेगा सैमसंग के अंदर, जबकि थोड़ा सा नेचुरल साइड में मैं बोलूँगा आईफोन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ डिटेलिंग लेवल की तो डिटेलिंग लेवल में स्लाइटली मुझे बेहतर लग रहा है जो आईफोन है वो, क्योंकि आईफोन के अंदर 24 मेगापिक्सल का आउटपुट निकल के आता है जबकि S23 के अंदर 12 मेगापिक्सल का, बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है गाइस सच बताओ तो। अब है गाइस ये 2x क्रॉप फोटो एंड 2x क्रॉप फोटो में दोनों ही सिमिलर डिटेलिंग लेवल प्रोवाइड करता है, जबकि जो कलर्स में जो डिफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हो कलर्स वगैरह मुझे स्लाइटली सैमसंग के तुलना में आईफोन का यहाँ पर पसंद आ रहा है 2x में स्पेशली। बाकी गाइस अगर मैं 3x से शिफ्ट करता हूँ तो 3x में यहाँ पर क्लियर विनर बन जाता है जो सैमसंग है वो, क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको ऑप्टिकल लेंस देखने को मिलता है एंड पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको परफॉर्मेंस मतलब क्वालिटी देखने को मिलता है, जबकि आईफोन डिजिटली जूम करा तो फिर उतना अच्छा तो नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग के अंदर आप 30x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है आईफोन के अंदर। तो अब गाइस ये सेल्फी एंड सेल्फी में दोनों ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी आप क्लिक कर सकते हो इन दोनों ही फोन से। बाकी सैमसंग का कलर बस स्किन टोन थोड़ा सा आई प्लीजिंग है जबकि आईफोन थोड़ा सा नेचुरल साइड में है, जबकि एज डिटेक्शन भी मुझे आईफोन के तुलना में सैमसंग का स्लाइटली अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी ह्यूज कुछ डिफरेंस नहीं है एज डिटेक्शन में, बट जो स्किन टोन है वो मुझे आईफोन के तुलना में सैमसंग का ज़्यादा पसंद आ रहा है, सैमसंग का थोड़ा सा आई प्लीजिंग है। अब देखो गाइस हम लोग एंड ऑफ द डे यही चाहते हैं खुद को अच्छा, खुद को थोड़ा सा आई प्लीजिंग सोशल मीडिया रेडी दिखाने को, साथ ही साथ आईफोन के अंदर आईफोन के तुलना में मतलब दोनों ही फोटो में डिटेलिंग लेवल भी अच्छा है, मतलब सैमसंग का स्किन टोन भी अच्छा है, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी ऐड किया है, उसके साथ साथ डिटेलिंग लेवल भी मेंटेन किया है, इसीलिए मुझे सैमसंग का फोटो पसंद आ रहा है। कंपेयर टू आईफोन का डिटेलिंग लेवल तो मस्त है बट उतना मतलब स्किन टोन उतना एक्यूरेट भी नहीं लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क बना दिया मैं, उतना भी मतलब काला नहीं दिखता। तो अब गाइस इन दोनों का 1x पोर्ट्रेट एंड 1x पोर्ट्रेट में गाइस सैमसंग के अंदर थोड़ा सा कोल्ड टोन देखने को मिलता है, आईफोन के अंदर थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलता है। हालांकि गाइस दोनों ही 1x में काफ़ी अच्छा डिटेलिंग लेवल भी प्रोवाइड कर देता है पोर्ट्रेट फोटो में, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर आप स्किन टोन का फर्क देख सकते हो, आईफोन के अंदर थोड़ा सा वार्म साइड में है, सैमसंग के अंदर थोड़ा सा कोल्ड साइड में है। बट गाइस सैमसंग जहाँ पर क्लियर विनर बन जाता है, सैमसंग के अंदर आपको 3x में टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जिससे आप शानदार एकदम DSLR लाइक पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो, जबकि आप देख सकते हो आईफोन का ये 2x डिजिटल क्रॉप है इसलिए डिटेलिंग लेवल उतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा कंपेयर टू सैमसंग। इनफैक्ट सैमसंग के अंदर आपको थोड़ा सा जूम फोटो मिलता है जिससे फोटो का देखने में भी अच्छा लगता है, मतलब जो पीछे बैकग्राउंड ब्लर है वो भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है कंपेयर टू आईफोन, जैसे कि आप खुद देख सकते हो। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट में मैं तो सैमसंग को ही पिक करूँगा। अब गाइस है लो लाइट का आईफोन का फोटो एंड है लो लाइट का सैमसंग का फोटो, एंड लो लाइट में मैं बोलूँगा काफ़ी अगर लाइट कम रहता है तो आईफोन क्या करता है, आईफोन जैसा सीनरी है वैसा ही दिखाने की कोशिश करता है, डिटेलिंग लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कभी कभी, बट गाइस सैमसंग थोड़ा सा ब्राइटन करने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेटली फेस को, एंड यहाँ पर मुझे तो लग रहा है इस वाले सिचुएशन में पर्टिकुलरली सैमसंग ने अच्छा काम किया है कंपेयर टू आईफोन, जैसे गाइस आप खुद देख सकते हैं काफ़ी मतलब लो लाइट कंडीशन है, आपको लग रहा होगा पीछे सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रहा था एंड कुछ भी नहीं था, एंड यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग ने मैं बोलूँगा अच्छा काम किया है। अब कैसे इन दोनों का फ्रंट कैमरा का वीडियोग्राफी 4K 60fps में दोनों ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों ही का काफ़ी अच्छे वीडियो क्वालिटी दे देता है फ्रंट कैमरा में, दोनों ही काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह। यहाँ पर आईफोन का मुझे वीडियो थोड़ा सा स्लाइटली पसंद आया, बाकी सैमसंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया है जैसे कि आप खुद ब खुद देख सकते हो, दोनों ही के अंदर आपको 4K 60fps का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप नीचे कमेंट कर बताओ किसका वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके गाइस तो अब है इन दोनों ही का 4K 60fps का वीडियो सैम्पल, एंड यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, सैमसंग आईफोन को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है, इससे पहले सैमसंग काफ़ी पीछे रहता था स्पेशली वीडियोग्राफी में आईफोन के तुलना में, बट अभी कंपटीशन काफ़ी नेक टू नेक हो गया है, अभी मतलब सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है बट अभी भी मैं बोलूंगा एप्पल आईफोन से काफी पीछे है। हाँ डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल जाता है फ्रंट कैमरा में शिफ्ट कर सकते हो, जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं बैक कैमरा से शूट करते करते फ्रंट कैमरा में शिफ्ट करते हो वो सैमसंग में पॉसिबल है बट वो आईफोन में तो पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल अगर वीडियोग्राफी की बात किया जाए तो मैं अभी भी आईफोन को ही पिक करूंगा। अब वैसे है इन दोनों का पोर्ट्रेट वीडियो एंड पोर्ट्रेट वीडियो में स्लाइटली मैं बोलूंगा स्किन टोन मुझे सैमसंग का अच्छा लग रहा है, बट जो गाइस जो स्टेबिलाइजेशन है वो मुझे स्लाइटली पसंद आ रहा है जो आईफोन है उसका, पर दोनों ही काफी अच्छे स्टेबिलाइज फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है जैसे कि आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर बात किया जाए जो एज डिटेक्शन है वो भी मुझे सैमसंग का स्लाइटली अच्छा लगा कंपेयर टू आईफोन, बट आईफोन का भी वीडियो फुटेज ओवरऑल शार्पनेस के मामले में अच्छा है। तो भाई जितना मैंने देखा मुझे तो S24 का कैमरा ज़्यादातर मामलों में बेहतर लगा, बट अभी भी S24 के तुलना में आईफोन 15 जो है वो वीडियो डिपार्टमेंट में डेफिनेटली अच्छा है, बट वीडियो डिपार्टमेंट में उतना भी ह्यूज कुछ डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी वीडियो में आईफोन ही बेहतर है, बट ह्यूज डिफरेंस को बहुत ही कम कर दिया है। मदर गाइस जैसे चैनल पे नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं हर एक कमेंट का चुन चुन कर रिप्लाई करता हूँ। तो बस गाइस मेरे वीडियो में मेरा पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।